तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं आज इंडियन फुटबॉल के और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभदीप एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स 360। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप इंडियन फुटबॉल के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और भी इंडियन फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट्स बनाने में। देखिए दोस्त, पहले सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप के अपडेट देना चाहेंगे आप सबको। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, हम सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। आज सेमीफाइनल में इंडिया का मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, जहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश को 2-1 के स्कोर लाइन से हरा दिया है। तो नेपाल के खिलाफ लास्ट ग्रुप लीग के मैच में उस शॉकिंग हार के बाद जिस तरीके से आज एक क्रूशियल नॉकआउट मैच में इंडियन टीम ने कमबैक किया है, ये इस टीम के कैरेक्टर को शो करती है। लास्ट मैच के डिसअपॉइंटमेंट को इस मैच से थोड़ा सा तो कम किया है। बट दोस्त देखिए, आई नो ये स्पोर्ट है जहाँ पे कोई भी किसी को हरा सकता है, फिर भी एटलीस्ट साउथ एशिया में इंडिया को कॉम्पिटिशन देने वाला कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि इंडिया जिस तरह से डेवलपमेंट किया है लास्ट कुछ सालों में, हाँ वो काफ़ी तो नहीं है बट साउथ एशिया के बाकी के देशों के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो नेक्स्ट मैच मतलब फाइनल में आई होप इंडिया फ्लाइंग कलर्स के साथ मैच को जीत जाए एंड सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप के टाइटल को डिफेंड करने में सफल हो पाए। बट ये आसान नहीं रहेगा दोस्त, इंडियन टीम को अपना कोऑर्डिनेशन, गेम अंडरस्टैंडिंग, इन सारे चीज़ों पे बहुत इम्प्रूवमेंट करना होगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अपकमिंग AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स में अच्छा करने के लिए ये और भी ज़रूरी होगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अपकमिंग AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स में इंडियन टीम अगर अच्छा करना चाहे तो इंडियन टीम को और भी इम्प्रूवमेंट तो करना ही होगा। देन अपडेट नंबर 2 है दोस्त, AIFF के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल लास्ट वीक में कतर में गए हुए थे वहाँ पे फीफा के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने के लिए। तो उस मीटिंग के बाद वीकेंड में कतर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी के साथ भी AIFF का मीटिंग हुआ था, जहाँ पे दोस्त AIFF ने कतर फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन बोथ ऑफ द कंट्रीज। तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया गया है कि किस किस एस्पेक्ट को ये MOU कवर करती है, बट दोस्त जैसा मुझे लगता है ये सब MOU ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। लास्ट 2019 में प्रीवियस कमेटी के अंडर में भी जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एक ऐसा ही MOU साइन हुआ था, जहाँ पे कोच, रेफरी एंड प्लेयर डेवलपमेंट को कवर किया गया था, बट उसके बाद इसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है। बट आई थिंक कि इस मीटिंग के बाद AIFF के न्यू प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल को बहुत कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी कि कैसे कतर फुटबॉल एसोसिएशन अपने देश में फुटबॉल के डेवलपमेंट में काम कर रहा है, क्योंकि कतर अभी अभी वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, साथ में 2019 AFC एशियन कप का चैम्पियन बना है। सो कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने बढ़िया काम तो किया ही है एंड इसे इंडियन फुटबॉल में भी AIFF इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो जो न्यू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्लान आएगा 100 डेज के बाद, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो यही दो अपडेट देना था दोस्त आज इंडियन फुटबॉल के बारे में। तो यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।